हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएस नॉलेज। फ्रेंड्स, एमपी जेल प्रहरी कार्यपालिक की वैकेंसी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे, इसी विषय में आज यहाँ कंप्लीट जानकारी अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, इस साइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस साइट पे आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल। फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं बड़े अक्षरों में लिखा है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल, फिर यहां पे लिखा है जेल डिपार्टमेंट प्रहरी कार्यपालिक रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020। फ्रेंड्स, इस साइट पर आने के बाद यहाँ पर आप आएंगे जहाँ पर लिखा है सर्च टेस्ट एडमिट कार्ड। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना 13 डिजिट्स का एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा है। फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ में पहले आप डेट डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे, फिर ईयर डालेंगे। फ्रेंड्स, फिर डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कैप्चा कोड है, फिर कैप्चा कोड को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर भरेंगे। फ्रेंड्स, भरने के बाद आप सर्च कर देंगे। फ्रेंड्स, सर्च करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने एडमिट कार्ड में डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको डाउनलोड करके आपका एडमिट कार्ड दूँगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।